please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद सीआरपीएफ जवान नसीर अहमद के घर में जुटे लोग उनके परिवार को ढांढस बनाने लगे। आतंकियों ने नसीर अहमद की रविवार को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी, जिसके बाद उनकी शहादत की खबर सुनकर उनके घर भारी भीड़ जमा हो गई। शहीद के घर जुटे लोग मातम मना रहे उनके परिवार के लोगों को दिलासा देने लगे। इस बीच सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भी शहीद जवान के घर पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया। सीआरपीएफ जवान नसीर अहमद छुट्टी लेकर अपने घर आए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर आतंकियों ने जवान के घर में घुसकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद गम में डूबे उनके परिवार वालों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच शहीद नसीर अहमद का जनाजा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वहीं नसीर अहमद की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी। रात तकरीबन 8:45 बजे यह हादसा पेश आया कि किसी ने आकर उसको गोली मार दी। शहीद नसीर अहमद सीआरपीएफ की 184वीं बटालियन में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पद पर तैनात थे। पटना में लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिव की पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो कांवड़ यात्रा पर झारखंड के देवघर के लिए निकले। लेकिन इससे पहले तेज प्रताप ने अपने आवास पर शिव की पूजा की और इस बीच उनकी वेशभूषा भी शिव की तरह ही नजर आई। कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद वो गाड़ी पर बैठकर देवघर की ओर रवाना हो गए। राजस्थान के भरतपुर में कुछ लोग एक बच्चे के सिर में फंसे बर्तन को निकालने की कोशिश करने लगे। परिवार वालों के मुताबिक खेलते वक्त स्टील के एक घड़े में बच्चे का सिर फंस गया, जिसे लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन घड़े से बच्चे का सिर नहीं निकला। इस दौरान बच्चा घबराकर रोने लगा। बच्चे को शांत कराने के लिए वहां मौजूद लोगों ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद परिवार वाले बच्चे को गहने की दुकान पर ले गए, जहां कटर से स्टील का घड़ा काटने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद घड़े का मुंह काटकर बच्चे का सिर बाहर निकाला गया। ये कैसे फंस गया बच्चा? खेलो, खुद ही फंस गया। बच्चे का सिर घड़े से बाहर आने के बाद परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। नोएडा में समाजवादी पार्टी के नेता रहे चमन घाटी हत्याकांड की गवाह पर दिल्ली के मयूर विहार इलाके में जानलेवा हमला हुआ है। कल रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने संदीप भाटी पर गोलियां चलाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। संदीप को नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। संदीप समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी का भांजा है और चमन भाटी की हत्या के बाद से परिवार के साथ दिल्ली के मयूर विहार में रह रहा था। संदीप के परिवार का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना ने यह हमला करवाया है। तो ये अपने फ्लैट पे जा रहा था जी, उसमें फेस 3 में जी, तो वहीं इस पे हमला कर दिया जी, के 5-7 राउंड गोली चलाई थी, 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल पे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पुजारी धूम ऋषि आश्रम में बने एक मंदिर की गंगा जल से सफाई करने लगा। पुजारी ने दावा किया कि महिलाओं पर पाबंदी होने के बाद भी बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद पूरे गांव में अनहोनी की आशंका फैल गई। आनन फानन में पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। यही नहीं, चंदा इकट्ठा करके इलाके के लोग मंदिर में रखी मूर्तियों को इलाहाबाद ले गए और स्नान करवाने के बाद उन्हें दोबारा मंदिर में रखा गया। सीताराम सीताराम सीताराम। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मना करने के बाद भी बीजेपी की महिला विधायक ने मंदिर में पूजा अर्चना की। जो स्थान पे चढ़ गए, इस वजह से जो मंदिर अशुद्ध हो गया था, इलाहाबाद गए तब जो है आन के जो है शुद्ध हो गया स्थान। धूम ऋषि आश्रम के पुजारियों ने बताया कि बीजेपी विधायक ने जिस मंदिर में पूजा अर्चना की, उसमें महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। ऐसा विश्वास है कि अगर कोई महिला इस मंदिर में पूजा अर्चना करती है तो गांव में सूखा पड़ जाता है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी ये बात जानती थी कि मंदिर में महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत की जमीन धंसने से उसकी पार्किंग में खड़ी एक कार के एक बड़े से गड्ढे में जा गिरी। आरोप है कि इमारत के बगल की जमीन में लंबे समय से एक और इमारत के निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और कार सहित पार्किंग का मलबा नीचे खड़ी एक मशीन के ऊपर जा गिरा। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय मशीन को चला रहे मजदूर की जान जाते जाते बची। जमीन धंसने से जो पार्किंग जो पूरा स्लैब था वो नीचे गिरा, यहाँ नीचे जो काम चल रहा था वो जेसीबी मशीन में जो ड्राइवर काम कर रहा था वो मरते मरते उस समय बचा। इमारत में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी वहाँ सुरक्षा के लिहाज से दीवार नहीं बनाई गई। ये तो अच्छा था कि सुबह बच्चे लोग थे ही नहीं, सुबह सब स्कूल में गए हुए थे, वरना वहाँ ब्लॉक के अंदर सब बच्चे भी खेलते रहते। जिस 7 मंजिला इमारत की जमीन धसी उसमें करीब 800 लोग रहते हैं और अब धीरे धीरे जमीन धसने से उन्हें पूरी इमारत गिरने का डर सता रहा है।
न्यूज 18 से बातचीत में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में गौरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं से पल्ला झाड़ लिया। राजस्थान It happens the world over. This is not something that is happening in Rajasthan alone. And for somebody to try to pin it on to why wasn't she listening or why wasn't she doing is very difficult. मोदी सरकार ने पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है और माना जा रहा है कि एंटीगुआ एंड बाबुडा मेहुल चोकसी की नागरिकता को रद्द कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने एंटीगुआ से मेहुल चोकसी को हिरासत में लेने की अपील की है जिससे वो फरार न हो सके। यही नहीं, मेहुल चोकसी के मुद्दे पर एंटीगुआ एंड बाबुडा के अधिकारियों के साथ भारतीय उच्चायुक्त ने एक बैठक भी की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि एंटीगुआ ने भारत से चोकसी को लेकर लिखित दस्तावेज मांगे ताकि वो वहां की अदालत में मजबूती से मेहुल चोकसी के खिलाफ दलील रख सके। चर्चा है कि एंटीगुआ में कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मेहुल चोकसी ने अपनी तरफ से एक वकील भी तय कर लिया। पिछले हफ्ते मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सीलिंग के दौरान दखल देने पर बीजेपी नेता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सीलिंग के दौरान सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के आरोपों को लेकर बीजेपी पार्षद मुकेश सुरियान को फटकार लगाते हुए साफ कर दिया कि वो किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपी के कानपुर में बारिश के बाद पानी जमा होने से नाराज लोगों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। यूपी के सीतापुर में भैंस निकालने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। राजस्थान के अलवर के एक मेले में पहुंचे 10 भक्तों के कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश होने के मामले में पुलिस उन्हें कोल्ड ड्रिंक देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही। यूपी के भदोही में छेड़खानी का विरोध करने पर मोहल्ले के ही एक लड़के पर एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप लगा। मुंबई में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता राफेल लड़ाकू विमान के मॉडल के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने फ्रांस के साथ हुए राफेल डील को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसके लिए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता राफेल विमान के मॉडल के साथ सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस ने फ्रांस से मिलने वाले 36 राफेल विमानों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो आप राफेल एयरक्राफ्ट की कीमत क्यों नहीं बता रहे हैं? दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक रही है? हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी बिना वक्त गंवाए तंज कसा। तिहाड़ जेल में सब होंगे अंदर, नेशनल हेराल्ड केस में, चिदम्बरम तो पता नहीं कितने केस में अंदर होंगे। सब प्रस्ताव पास करने दीजिए तिहाड़ जेल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। बीजेपी ने राफेल विमानों की खरीद में घोटाले के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी की तेज धार में बहने लगी। खबर के मुताबिक वहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं और पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच एक सड़क पर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया जिसमें वहां खड़ी दो कारें फंस गई। किनारे की कार में मौजूद लोगों ने पानी की रफ्तार देखते हुए कार छोड़ देना ही बेहतर समझा। एक एक करके वो पास की कार की छत पर गए और फिर वहां खड़े ऑटो रिक्शा पर चढ़ने लगे, लेकिन चौथे आदमी के निकलते ही सफेद कार पानी की तेज धार में बह गई। इसके बाद चारों लोगों ने ऑटो रिक्शा को मजबूती से पकड़ कर लाल कार को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी ही देर में दूसरी कार भी तिनके की तरह बह गई और इसके बाद ऑटो रिक्शा भी ज्यादा देर तक पानी के सामने नहीं टिका। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को 5 सितंबर तक 7 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को नोएडा में एमरल्ड टॉवर्स के 111 खरीदारों के पैसे लौटाने के लिए 5 सितंबर तक 7 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। हरियाणा के जींद में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के भाईचारा सम्मेलन में जाट नेता यशपाल मलिक ने धमकी दी कि अगर सरकार ने जाट, मराठा और पटेल को आरक्षण नहीं दिया तो बीजेपी अगले 40 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाएगी। या तो सरकार जाएगी या आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में एक कार में सवार एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम में नागरिकों की गिनती से जुड़े एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की फाइनल सूची को दिसंबर तक जारी करने का ऐलान किया। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के मुद्दे पर मचे हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्य का दौरा करेगा।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो असम की तर्ज पर बंगाल में भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार किया जाएगा। यूपी के झांसी में एक नाबालिग ने पुलिस को दी शिकायत में 5 लोगों पर उसे अगवा कर 14 दिनों तक हरियाणा और बिहार ले जाकर उसका रेप करने का आरोप लगाया। फिल्म मुल्क पर मुंबई की एक कोर्ट से रोक की खबर को निर्देशक अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर अफवाह बताया और फिल्म के 3 अगस्त को रिलीज होने का दावा किया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान से 25 जुलाई को मीडिया के सामने सरेआम बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर वोट डालने पर उनसे लिखित में जवाब मांगा।